फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रीस कंट्री के बारे में। ग्रीस यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ एक देश है जो कि अपने हिस्ट्री के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ग्रीस ऑफिशियल तौर पर हेलेन रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की कैपिटल सिटी एथेंस है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। यह दुनिया का 95th एरिया के मामले में सबसे बड़ा देश है, जो कि 131,997 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की पॉपुलेशन 2017 के आंकड़े के अनुसार 1,76,08,495 है। आइए अब बात करते हैं इस देश के बारे में और भी रोचक तथ्य। ग्रीस की जनसंख्या सिर्फ 1.1 करोड़ है, लेकिन यह हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं, जो कि इसकी मुख्य सूत्र आय की टूरिस्ट ही है। ग्रीस में वोटिंग करना अनिवार्य है। यदि वहाँ का कोई भी सिटीजन 18 साल या ज़्यादा का हो जाता है तो उसे वोटिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। ग्रीस मार्वल्स का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया में मार्बल मैन्युफैक्चरिंग में से 7% मार्बल यहीं पर बनता है। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि यह शब्द ग्रीक भाषा के लिए गया है, और क्योंकि ग्रीक भाषा इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड की जाननी है, इससे हजारों वर्ड निकलते हैं। ग्रीस के होल पॉपुलेशन में से लगभग 99% पॉपुलेशन ग्रीक भाषा का उपयोग करती है। ग्रीस के लोग एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और 95 युवा लिटरेटर भी हैं। ग्रीस ओलिविया ऑयल का दुनिया में 3rd largest प्रोड्यूसर है। यहाँ आप कुछ ऐसे पुराने पेड़ पाए जाते हैं जो कि 13th century में लगाए गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वे पेड़ कितने पुराने होंगे। इसकी 80% सरफेस माउंटेन्स है, इसके कारण यहाँ कोई भी नेगेटिव रिवर नहीं पाया जाता है। ग्रीस ओलंपिक गेम्स का जनरेटर है। यहाँ एक सिटी का नाम ओलंपिया है। ओलंपिक गेम्स यहाँ से 776 BC में स्टार्ट हुए थे। डेमोग्रेसिक एशेंट ग्रीक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गई थी। यह लगभग 5th BC से 3rd BC तक चली। एंशियंट टाइम में ग्रीस दो भागों में बटा हुआ था, पहला एथेंस और दूसरा स्पार्टा। यदि कोई बच्चा है जो एथेंस में रहता था उसे 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता था, जबकि कोई बच्चा स्पार्टा में रहता था तो उसे सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। एंशियंट टाइम में ग्रीस के लोग बिना कपड़ों के अभ्यास करते थे। एंशियंट टाइम में ग्रीस इडियट शब्द उन लोगों को इंडिकेट करने के लिए होता था जो पॉलिटिशियन नहीं होते थे। एंशियंट टाइम ग्रीस में यदि कोई किसी को एक एप्पल फेंक कर देता था तो उसका मतलब यह होता था कि वह उस व्यक्ति से प्यार करता है। ग्रीस की पूरी पॉपुलेशन में से 40% पॉपुलेशन उसकी कैपिटल एथेंस में रहती है। ग्रीस में 2000 आइसलैंड है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 170 लोग ही रहते हैं। ग्रीस का ऑफिशियल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक है। मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि पैथोलोग्रियस, आर्थोमेडियस और पैथोलोनियम एशियंट ग्रीस द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ग्रीस ग्रेट अलेक्जेंडर की बर्थ प्लेस, जो कि मैसेडोनिया के रूलर थे। तो फ्रेंड्स, इस आज का हम पसंद में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय।